नमस्कार, ई खबर के ऑफिसर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि पाठक। पेश है आज की मुख्य खबरें। मेघालय हादसे पर राहुल गांधी का ट्वीट, मौत से लड़ रहे मजदूर पोज दे रहे हैं प्रधानमंत्री। पाक के पूर्व पीएम शरीफ को कोर्ट लखपत जेल भेजा, पूर्व राष्ट्रपति जरदारी भी रहे हैं यहाँ। बॉक्सिंग में साल 2018 रहा मैग्निफिशेंट मैरी के नाम। स्त्री के बाद मेड इन चाइना में राजकुमार, इस दिन रिलीज होगी फिल्म। सुरक्षा में फेल पतंजलि ने कैंसिल की किम्बो ऐप की लॉन्चिंग। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गालाल किरार को पहनाए जूते, जानिए क्या है वजह। आप देख रहे हैं ये खबर। अब खबरें विस्तार से। करीब 15 खनिक 13 दिसंबर को एक कोयला खदान में फंस गए थे। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि मेघालय के जयंतिया हिल्स में कोयला खदान में पिछले कई दिनों से फंसे खनिकों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने देर से कदम उठाया। नवाज शरीफ फैसले के बाद अदालत में ही शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया और रावलपिंडी की अड़ियाला जेल भेज दिया गया। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें लाहौर में कोट लखपत जेल स्थानांतरित कर दिया। शरीफ ने अपनी अर्जी में अदालत से अनुरोध किया था कि वह कोट लखपत जेल में अपनी सजा पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके परिजन और उनके निजी डॉक्टर लाहौर में ही रहते हैं। मैरीकॉम के लिए यह वर्ष शानदार रहा। उन्होंने उम्र की बाधा को पार करते हुए इस साल विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। राजकुमार राव और मौनी राय अभिनीत मेड इन चाइना 15 अगस्त को रिलीज होने की बजाय एक्टर के जन्मदिन से एक दिन पहले 30 अगस्त 2019 को रिलीज होगी। पतंजलि द्वारा किम्बो ऐप का ट्रायल वर्जन 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था और आधिकारिक लॉन्चिंग की तारीख 27 अगस्त तय की गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गालाल किरार ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में संकल्प लिया था कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तब तक वह जूता नहीं पहनेंगे। और भी जानकारी के लिए देखते रहिए www.ekhabar.in।